बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, आरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि आप डाटा एंट्री के ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे हम चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ एक एक चीज़ कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके आ जाएं और मैं इधर लैपटॉप की स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड इनका आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इनका जो बेसिक जो सिस्टम है OLX का आपको पता होगा, ये भी उसी कैटेगरी की उसी तरह की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और ये भी आप इनका डैशबोर्ड देख सकते हैं, ऊपर ये सारी जो कैटेगरीज भी आपको नज़र आ रही होंगी ये भी सेम उसी तरह की वेबसाइट है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि इससे हम अगर कोई चीज़ सेल नहीं करते, कोई बाय नहीं करते, तो हम सिर्फ अगर पैसे कमाना चाहते हैं तो वो हम बआसानी यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इस वेबसाइट पे लॉगिन कर चुका हूँ। सबसे पहले आपने ये जो आपको राइट साइड पे अर्न वाला बटन नज़र आ रहा है, आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको यहाँ पे लॉग आउट बल्कि करके बता देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म का मसला परेशानी ना हो। मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद हम इसको दोबारा लॉग इन करेंगे। जी, जब आप इसको वेबसाइट को पहली बार ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन शो होंगे, तो आपने सिंपली जो है लॉगिन के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आप लॉगिन के बटन पे क्लिक नहीं करना, आप अर्न का जो ये आपको नज़र आ रहा है आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। आपने यहाँ पे ये देखें, आप अपने मोबाइल के थ्रू भी लॉगिन हो सकते हैं और अपने ईमेल के थ्रू भी लॉगिन हो सकते हैं। तो जो कि मैंने अपने ईमेल के थ्रू अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं इसको ईमेल के थ्रू ही लॉगिन करूँगा। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ, ईमेल एड्रेस मैंने दे दिया है। मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा और अब यहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है और मैं इसको लॉगिन करता हूँ। जब आप इस यहाँ पर पहली बार आएंगे तो यहाँ पर जब आप अपना फ़ोन नंबर या ईमेल देंगे तो ये आपके फ़ोन के ऊपर एक कोड भेजेगा साइनअप की वजह से, क्योंकि आप पहली बार इसके ऊपर अपना अकाउंट बना रहे होंगे तो आपके अकाउंट पे, आपके फ़ोन पे या आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर ये एक कोड भेजेंगे। वो आपने कोड यहाँ पर लिखना है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने सिंपली इस जो अर्न का बटन है आपने इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद आपके सामने ये कुछ पेज इस तरह से आ जाएगा। तो सिंपली आपने थोड़ा सा नीचे कर लेना है। नीचे आप आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैसे कमाने के तरीके हैं वो आप रेफरल लिंक के साथ भी कमा सकते हैं। यानी अगर आप ये लिंक अपने किसी दोस्त को शेयर करते हैं और वो इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करता है और काम करता है तो आपको उसकी भी इनकम में से कुछ परसेंट जो है वो मिलता जाएगा। और अगर आप मज़ीद अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक दिन के अंदर आपको 50 कैप्चा सॉल्व करने होते हैं। एक दिन के अंदर 50 कैप्चा को आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 50 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, एक दिन के अंदर 50 कैप्चा ये आपको देते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक कैप्चा सॉल्व करते हैं तो आपको ये 0.3 रुपीज़ एक कैप्चा सॉल्व करने के दे देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप रेफरल के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, यानी आप अपना ये लिंक जो है अपने किसी दोस्त को शेयर करते हैं तो आप उसके थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपका दोस्त जो है वो कैप्चा सॉल्व करता है तो उसको ये जो 0.3 रुपीज़ तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके अकाउंट में भी 0.15 पैसा जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा
यहाँ पर काम करने का तरीका जो है, अगर आपके पास एक अदद फेसबुक अकाउंट है या पेज है तो आप उसके थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। यानी कि अगर इनके एक लिंक को आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर फेसबुक अकाउंट के अंदर या अगर आपके पास पेज है तो पेज के अंदर शेयर करते हैं तो आपको 3 रुपये मिलेंगे एक लिंक को शेयर करने के, और एक दिन के अंदर आप 7 लिंक्स को शेयर कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, एक दिन के अंदर आप 7 लिंक्स को अपने अकाउंट में फेसबुक अकाउंट के अंदर जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको भी बता देता हूँ आपने काम कैसे करना है। सबसे पहले आप ये अर्न वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अर्न वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो आपने सिंपली नीचे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद अगर आप फेसबुक के साथ काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि आपने किस तरह शुरू करना है। उसके लिए थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले मैं डाटा एंट्री का बता देता हूँ जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 50 कैप्चाज में से 4 मैं सॉल्व कर चुका हूँ और अभी ये 46 मेरे सामने मौजूद हैं। आप ये ना समझे कि मैं सिर्फ ये 4 कर चुका हूँ और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे बहुत से दोस्त इससे पैसे कमा रहे हैं और ये 100% पेमेंट करते हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा इनका ये है कि आप यहाँ से इजी पैसा जैस कैश के थ्रू भी पैसे निकलवा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्टार्ट डाटा एंट्री के बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट डाटा एंट्री के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज आएगा जिसके ऊपर 5 या 6 लफ्ज लिखे होंगे, आपने सिंपली उनको सॉल्व करना है। जब जैसे यहाँ पर 826675 ये लिखा हुआ है, आपने इसको लिख के सिंपली ये कंप्लीट डाटा के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अभी बल्कि यहाँ पर मेरा अकाउंट बैलेंस शो नहीं हो रहा, मैं आपको बता देता हूँ वो भी। आपने सिंपली कंप्लीट डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट में 0.3 रुपीज़ जो हैं वो आ जाएंगे। अभी आप चेक करें मेरे पास 1.5 रुपीज़ हैं और मैंने यहाँ पर 46 कैप्चा सॉल्व किए हुए थे, तो अभी यहाँ पर 45 यानी कि 45 कैप्चा पीछे रह गए हैं। तो अभी आप ज़रा देखें कि मेरे अकाउंट के अंदर 1.5 रुपीज़ हैं, तो हम एक कैप्चा सॉल्व करते हैं तो हमारे अकाउंट में क्या चेंजिंग्स आती हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है 417516, ये मैं यहाँ पे लिख कर एंटर करता हूँ। कंप्लीट डाटा के बटन पे क्लिक किया है मैंने, तो अभी हम अपने अकाउंट में देखते हैं। ये देखें यहाँ पर 1.08 हो चुका है, पहले 1.5 था, अब 1.8 हो चुका है। ठीक है, तो आप एक दिन के अंदर 50 कैप्चा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 पीछे रहते हैं जो अभी सॉल्व हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ आप फेसबुक, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने यहाँ पर 2 नंबर किसी किस्म की नहीं करनी। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि मैं तो 25 मिनट में ये काम कम्प्लीट कर लूँगा और मेरे अकाउंट में 40-50 रुपये आ जाएंगे तो मैं एक और अकाउंट बना लेता हूँ, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा अकाउंट बनाने पर आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। जी हाँ, आप सिर्फ एक अकाउंट यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट आपने इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अगर आप अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं और आपके पास 2-3-4 मोबाइल हैं और आप अलग अलग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल आप 2 अकाउंट बना सकते हैं, 4 अकाउंट बना सकते हैं। 4 अकाउंट मिसाल के तौर पे अगर आप बनाते हैं और एक अकाउंट के आपको एक दिन में 50 रुपये मिल रहे हैं तो 4 अकाउंट के आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर 200 रुपीज़ तक आप मतलब यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फेसबुक के थ्रू किस तरह काम करना है। फेसबुक में हमने इनके लिंक को शेयर करना होता है और एक लिंक शेयर करने के हमें 3 रुपये मिलते हैं। सिंपली हम शेयर फेसबुक लिंक से ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से जो डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, हमने सिंपली यहाँ पर जो हमारा फेसबुक अकाउंट है उसका नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे मेरा अकाउंट आबिद हनीफ के नाम पे है, मैं यहाँ पर आबिद हनीफ लिखूँगा और उसके बाद यहाँ पर अपने फेसबुक का जो URL है आपने वो देना है। उसके नीचे आपने यहाँ पर लिखना है कि आपके अकाउंट के अंदर कितने फ्रेंड्स हैं, आपके अकाउंट में कितने लाइक्स या कितने फ्रेंड्स हैं, आपने यहाँ पर मेंशन करना है और आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये सारे खाने फिल करके यहाँ पर अपना फेसबुक का अकाउंट का नाम देंगे, यहाँ पर फेसबुक का जो लिंक है आपका जो URL होता है वो देंगे, यहाँ पर आपके कितने फ्रेंड हैं आपकी ID के अंदर वो लिखेंगे,
तो सिंपली आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर किस तरह लिंक को शेयर करना है वो मैं आपको जाहिर है अभी तो नहीं बता सकता, मैंने खुद ही अप्लाई किया हुआ है। तो जैसे ही ये होता है, जैसे ही आप इसको अप्लाई भी करेंगे, तो आप बेशक इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा कि आपने किस तरह फेसबुक के अंदर लिंक शेयर करने हैं। और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, आपने सिर्फ शेयर लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने लिंक आ जाएंगे, आपने उनको कॉपी करना है और अपने अकाउंट में जाके शेयर कर देना है, सिर्फ इतना सा काम है। और एक लिंक शेयर करने के आपको 3 रुपये मिलेंगे।